और फिर जैसे ही मैं गिरने के बाद इस फोन को जेब से निकाला और भाई देखा कि ये जो कैमरा का जो लेंस है भाई ये टूट चुका है। जो आप देख पा रहे हो ये क्रैक, खाली रिंग निकल गई भाई, लेकिन ये देखिए इसका जो ये ग्लास है प्रोटेक्शन ग्लास वो देखिए इसके ऊपर ही चिपका हुआ है। ऑलराइट, सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई क्या हाल चाल भाई, मार्केट में आईफोन 15 आ चुका है, खरीदा या नहीं खरीदा भाई? आईफोन 15 प्रो मैक्स और आईफोन 15 लॉन्च हो चुका है ना भाई, जिन भी लोगों ने आईफोन 15 या 15 प्रो मैक्स खरीद लिया है कमेंट करो गाइस अभी वीडियो के नीचे। हम तो खरीद नहीं सकते भाई क्योंकि अपने पास इतने पैसे ही कहाँ है कि हम आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीद ले। और भाई यहाँ पर अपना एक नुकसान हो गया भाई आज, ये देखिए भाई ये जो अपना आईफोन 14 प्रो मैक्स है ना भाई, जो कि इसको लिए हुए मेरे को 1-2 महीने हुए हैं और भाई इसका जो ये देख सकते हो आप, ये जो इसके कैमरे का जो लेंस है ना भाई वो टूट चुका है भाई। भाई स्टार्टिंग में आपको लगा कि भाई मैं आज बहुत खुश हूँ, लेकिन गाइस आज मैं अंदर सच में बहुत ज़्यादा ही दुखी हूँ भाई, क्योंकि भाई इतना महंगा फ़ोन टूट गया भाई। आपको क्लियर से बताता हूँ भाई, ये देखिए भाई, सुबह सुबह आज भाई नुकसान हो गया, जो आप देख पा रहे हो ये क्रैक। तो भाई यूजुअली मैं सब ब्लॉग्स इससे रिकॉर्ड करता हूँ भाई, लेकिन अभी तो फिलहाल ये डैमेज हो चुका है, इसलिए अभी ये ब्लॉग भी मेरे को दूसरे फोन में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ये आज पहली बार इसमें कुछ डैमेज आया भाई, पहली बार भाई सच में, इसको देख के भाई सच में अंदर ही ऐसा बहुत एक पेन होता है भाई, तो इतना महंगा फोन टूट गया भाई। आप लोग सोचोगे इसका जो मेन लेंस है वो टूटा है, बाकी गाइस ऐसा नहीं है, इसके ऊपर भाई मैंने प्रोटेक्शन ग्लास लगाया था गाइस, तो मेरे ख्याल से ग्लास टूटा है, मतलब मेरे को ऐसा लग तो रहा है कि सिर्फ ग्लास ही टूटा है भाई, फिर पता नहीं अभी जाके इसको चेंज करवाएंगे भाई, तब पता चलेगा कि भाई अंदर का ग्लास टूटा है या फिर सिर्फ जो प्रोटेक्शन वाला ग्लास है वो टूटा है भाई। मैं तो होप करता हूँ भाई कि जो प्रोटेक्शन वाला ग्लास है वही टूटे भाई, क्योंकि अगर मेन लेंस टूट गया ना भाई तो सच में लेने के देने पड़ जाएंगे। तो भाई मैं भी आपको बताता हूँ भाई कि ये कैसे क्या टूटा। तो गाइस एक्चुअली भाई आज भाई सुबह 5:30-6 बजे मेरा आज 2 पोपड़ हो गए भाई, सुबह 5:30 और 6 बजे, मतलब भाई आज सुबह का दिन भाई पता नहीं किसका मुंह देख के मैंने स्टार्ट किया। पहले तो भाई मैं सुबह 5:30 बजे गया जिम में भाई, स्टेप्स से मतलब जिम फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मैं स्टेप्स से चल रहा था भाई ऊपर, और भाई स्टेप्स पे पानी था, तो पता नहीं भाई कैसे मेरा पैर स्लिप हुआ, और भाई पैर स्लिप होते सीधा पड़ा नीचे गिरते ही गाइस, मतलब बहुत जोर से गिरा मैं नीचे, और गाइस मेरे जेब में ये वाला फोन था, तो मतलब जैसे ही मैं स्टेप्स से गिरा तो भाई जेब में ये फोन था, तो भाई इसके तरफ भी इम्पैक्ट आया, और फिर जैसे ही मैं गिरने के बाद इस फोन को जेब से निकाला और भाई देखा कि ये जो कैमरा का जो लेंस है भाई ये टूट चुका है। फर्स्ट तो मेरे साथ ये हुआ, और भाई सेकंड जैसे ही चलो फोन ऑन टूटा, मैं गया जिम में, और भाई जैसे ही वहां पर एक्सरसाइज कर रहा था भाई जिम में, फिर भाई जिम में जो वो 20 किलो की प्लेट होती है ना भाई, 20 किलो की डिस्क होती है ना भाई, वो एक और पैर पे गिर गई भाई। पता नहीं आज किसका मुंह देख के दिन स्टार्ट किया था भाई, आज तो सुबह सुबह मेरे साथ ये 2 कांड हो गए। पेन अभी फिलहाल थोड़ा पैर में कम हुआ है, बाकी सुबह तो भाई सच में इतना ज्यादा पेन कर रहा था ना भाई, मेरा जो ये पैर है ये देखिए, ये जो राइट वाला पैर है ना भाई, इन उंगलियों पे भाई वो डिस्क गिरी 20 किलो की। आज का तो भाई जो अपनी गुड मॉर्निंग हुई ना भाई, सच में बहुत बेकार गुड मॉर्निंग हुई भाई, मेरी लाइफ की सबसे वर्स्ट गुड मॉर्निंग थी भाई। अभी अपन कोई मोबाइल शॉप पे जाएंगे और उनको बोलेंगे भाई कि ये चेंज करके दे दो, ये एक तो प्रोटेक्शन केस मिलेगा नहीं, तीनों वापस नए खरीदने पड़ेंगे भाई। लेकिन एक बात अच्छा हुआ भाई कि और कहीं डैमेज नहीं आया भाई फोन में, ये देख सकते हो आप, और कहीं भी डैमेज नहीं आया भाई फोन पे, ये एक अच्छा हो गया। अब देखना भाई ये ग्लास भाई इस पर चिपक चुका है, ये देखना, मैं इसको अभी निकालता हूँ, ये देखिए खाली रिंग निकल गई भाई, लेकिन ये देखिए इसका जो ये ग्लास है प्रोटेक्शन ग्लास वो देखिए इसके ऊपर ही चिपका हुआ है, ये देखिए। अभी भाई मोबाइल शॉप वाले भैया इसको फिट करके निकालेंगे भाई, पता नहीं कैसे क्या निकालेंगे, इसको वापस फिट कर देते हैं। बाकी गाइस आप लोगों का फोन भी अगर ऐसे हादसे में अगर गिरा हो या फिर कुछ डैमेज हुआ हो तो कमेंट करो भाई, भाई मेरे को पता तो चले भाई मेरे इधर और कितने लोग हैं भाई जिनके फोन ऐसे हादसे में टूट गए या फिर कुछ डैमेज हो गया फोन में। तो चलो अभी चलते हैं अपन कोई मोबाइल शॉप पे और चेंज करवा के आते हैं इसका लेंस, और फिर मैं आपको बोलता हूँ भाई कि सिर्फ प्रोटेक्शन ग्लास टूटा है या फिर अंदर का लेंस भी टूटा है, वो तो भाई अपन मोबाइल शॉप पे जाएंगे तभी पता चलेगा। देखिए आज मौसम भाई, आज मेरे को लगता है रात में भाई फुल बारिश आई थी, और ये देखिए मेरे को लगता है आज वापस फुल बारिश आएगी, ये देखिए पूरे काले काले बादल है भाई आसमान में। लो भाई चलते अभी नीचे, और देखिए बारिश का मौसम है इसलिए देखिए सारे कपड़े यहाँ पर ही पड़े हैं। तो भाई ये देखिए मैं फिलहाल आया हूँ इधर
रेंजर मोबाइल्स में। यहाँ पर लेके चलते हैं भाई अपना फोन। इसका भाई देखो ये वाला लेंस स्टूडियो। मैंने ग्लास चिपक गया उसमें। लेंस पे नहीं होना डैमेज, लेंस पे डैमेज नहीं होना, खाली वो प्रोडक्शन पे होना। चलो बाय। बच गया भाई। ऑलराइट सो गाइस, फाइनली भाई फोन का लेंस चेंज करवा लिया है, तो चलो अभी चलते हैं भाई सीधा घर पे। ये देखिए एकदम लग रहा है ना एकदम नया। ऑलराइट सो भाई अभी फिलहाल आ चुका हूँ घर पे, फोन का लेंस चेंज करवा लिया। तो भाई उन्होंने सिर्फ एक ही लेंस चेंज किया गया, बाकी के ये जो दो लेंस है ना भाई उन्होंने भाई लेंस मेरे को दे दिए, मतलब उनका बॉक्स मेरे को दे दिया और सिर्फ एक ही लेंस चेंज किया भाई। मैंने सोचा था भाई तीनों लेंस चेंज होंगे लेकिन सिर्फ एक ही चेंज किया भाई लेंस। भाई अभी तो ऐसा लग ही नहीं रहा है भाई, फोन टूटा भी था या गिरा भी था अभी तो ऐसा लग भी नहीं रहा है भाई। वैसे भी ज्यादा डैमेज भी कहाँ हुआ था भाई, सिर्फ ये एक लेंस ही तो टूटा था भाई जो कि चेंज हो चुका है। बाकी गाइस मैं भी आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर आपने कोई भी आईफोन खरीदा है, चाहे आईफोन 13, 14, 15, प्रो मैक्स, मतलब कोई भी आईफोन खरीदा है, अगर आपके कैमरा लेंस पे लेंस प्रोटेक्टर नहीं है तो अभी के अभी जाओ और लेंस प्रोटेक्टर दलवाओ भाई। वो लेंस प्रोटेक्टर भाई 200-300 रुपए के आते हैं भाई, जिससे आपका 5-6 हज़ार का नुकसान बच सकता है भाई। अगर मैंने इसके ऊपर भाई ये लेंस प्रोटेक्टर नहीं लगाए होते तो मेरे को कम से कम 5-10 हज़ार इसको वापस नए लगाने के लिए देने पड़ते भाई। भाई 200-300 रुपए ने 5-10 हज़ार रुपए का खर्चा बचा दिया भाई। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ भाई, आपके पास कोई भी आईफोन रहने दो, सबसे पहले जाओ और लेंस प्रोटेक्टर लगाओ भाई, ये सच में बहुत काम आते हैं भाई। तो चलो अभी फिलहाल लंच टाइम हो चुका है, तो चलो अभी कर लेते हैं लंच। तो देखिए भाई आज लंच में रोटी और अचार। तो भाई अभी फिलहाल लंच भी कर लिया भाई, पता नहीं ये देखिए ये लैपटॉप में भाई पता नहीं क्या अपडेट हो रहा है। ये देखिए HP BIOS अपडेट, ये देखिए 34% हुआ है भाई। डू नॉट शट डाउन योर कंप्यूटर ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो चलो गाइस अपने आईफोन का तो भाई लेंस चेंज करवा लिया। तो इस व्लॉग के बाद जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो आपको इस फोन से शूट करा हुआ मिलेगा भाई, क्योंकि भाई हर व्लॉग में इसे रिकॉर्ड करता हूँ गाइस। ये तो भाई इमरजेंसी में मेरे को यूज करना पड़ा ये दूसरा वाला फोन, बाकी नहीं तो हर व्लॉग में इसे शूट करता हूँ गाइस जब से इसको लाया है। तो चलो गाइस बस अब मैं इस व्लॉग को करता हूँ एंड। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज को लाइक करना, शेयर करना, और गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। चलो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। And I could take this crap from seeing to believing God. Guys, आप लोग भाई बाकी गाइस आप लोग अभी बाकी गाइस आप लोग का फोन भी अगर ऐसे Blood in my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself.